जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि तेज चाल में पीछे मुड़ की असली कार्रवाई क्या होती है। इसमें आपको मैं स्टेप्स पूरे क्लियर करने वाला हूँ। उसका कारण है कि ये वीडियो जिसपे 1.5 लाख से भी ज्यादा कैडेट्स के व्यूज है और उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस है कि सर हमें 3 कदम में मुड़ना सिखाया, 5 कदम में मुड़ना सिखाया, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम मार्च करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला है आपका कंफ्यूजन, जो दाहिना क्या होता है, बाएं क्या होता है। तो दाहिना यानी हमारा राइट, राइट यानी दाहिना, बाएं यानी लेफ्ट। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अभी दूसरी बात, जब भी हमें वर्ड ऑफ कमांड मिलती है तो हमेशा हमारे बाएं पांव पे मिलती है, यानी लेफ्ट लेग पे मिलती है। ठीक है, और हम जो कार्रवाई करते हैं वो भी हमें लेफ्ट लेग पे ही करनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है तो इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, और अगर उस्ताद गलती से आपको राइट पांव पे कमांड देता भी है तो आपको लेफ्ट पांव पे ही कार्रवाई करनी है, तो आपका सही होगा। ठीक है, अभी आज के टॉपिक पे हम आते हैं। तो जब हम जैसे मार्च कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो अभी मैं आपको मार्च करके बताता हूँ। ठीक है, अभी सपोज मैं मार्च कर रहा हूँ और वहां से आया कमांड, गैजेट आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। अभी देखो, मुड़ आगे हमारा ये हो गया, इस पे हम रुक गए। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कट खाली। अब वो कट खाली क्यों होगा, क्योंकि ऐसे हम, ये हमारा कट हो गया क्योंकि हम अपना मूवमेंट कट कर रहे हैं, और खाली इसलिए होगा क्योंकि इस लेग से इस लेग तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा खाली जा रहा है, तो कट खाली एक साथ होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कट खाली। ठीक है, फिर एक, ठीक है, ये हमारी पोजिशन होगी, एक हो गया। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 2, फिर 3, ठीक है, 3 आ गया। फिर फोर्थ में हमारा मूव हो जाएगा, ठीक है, मूव, फिर 5, 6 ऐसे। अभी आपको क्या सिखाया होगा, यही जो आपका जो मेन डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको क्या सिखाया है कि जैसी मुड़ बोलते हैं कट खाली 1, 2, 3, 4, फिर 5। ठीक है, तो मैं इसका रीजन बताता हूँ ये गलत क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जब हम कंटिजेंट में मार्च करते हैं तो हमारा कंटिन्यूस मूव होता है। अब आप ही सोचो कि जब आपको मुड़ के लिए बोला है तो आप ऐसे करके 1, 2, 3, 4 फिर ऐसे करोगे तो क्या तब तक कंटिजेंट खड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा तो सामने से कैसा लगेगा? ठीक है, इसलिए ये पूरी कार्रवाई गलत है। जो सही ये होता है कि फोर्थ लेग पे शूट हो जाता है। इसका मैं आपको गारंटी ऐसे देख सकता हूँ कि किसी भी आप डिफेंस पर्सन से पूछोगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी उस्ताद से आप पूछोगे, आपको यही आंसर मिलेगा कि जो पीछे मुड़ की कार्रवाई होती है उसमें हमारा फोर्थ स्टेप में शूट हो जाता है। ठीक है, यानी राइट लेग पे हमारा शूट हो जाता है, फिफ्थ लेग पे शूट नहीं होता। इसको बात याद रख लो। और जो आपको 3-5 कदम वाला सिखा रहे हैं ना, वो आपके एसडी कैडेट्स होंगे, ठीक है, सीनियर कैडेट्स होंगे। हो सकता है कि उनके सीनियर कैडेट्स ने उन्हें ऐसा सिखाया हो, इसलिए वो आपको पास आउट कर रहे हो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो उनकी गलती नहीं है। ठीक है, ऐसा हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग से, बट ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर कोई आपको गलत सिखा भी रहा है तो आप ये वीडियो उसको दिखाना और बोलना कि ये होती है कार्रवाई, आप क्या सिखा रहे हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये वीडियो उसको दिखाना। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि सभी कैडेट्स का डाउट क्लियर हो जाए और सबके सब सही कार्रवाई करें। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो का जो मेन मकसद था, आपका डाउट क्लियर करना। तो आई होप कि आपका सारे डाउट क्लियर हो गए हो। कुछ भी क्वेश्चन है एनसीसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, ड्रिल प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाओ उसको देखो, उसमें बहुत सारे वीडियोस है ड्रिल से रिलेटेड। एक एक स्टेप मैंने डिटेल में बताया है विथ वर्ड ऑफ कमांड्स, और समीक्षा क्रम का भी बताया। समीक्षा क्रम का एक क्वेश्चन होता है कि समीक्षा क्रम में कितने कदम चले जाते हैं, तो आंसर होता है 15 कदम। ठीक है, और एक और आंसर होता है, इसका होता है 14, 1, 2। ये दोनों आंसर सही है। अगर आपने वहां पे 14 आंसर लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 14 कदम नहीं होते, 15 कदम होते हैं, या लिखना 14, 1, 2। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। आप वीडियो देखना ड्रिल प्लेलिस्ट में जाके, सारे के सारे डिटेल में बताए हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और कमेंट बॉक्स में आपको अगर हो सकता है कि लेट हो रिप्लाई मिलने में, आंसर मिलने में, तो इसका मैं एक अल्टरनेट तरीका बताता हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है NCC Originals, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इस पे क्या है, मैं अभी एक्टिव रहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो उससे क्या है नोटिफिकेशन मेरे पास जैसी आती है रिप्लाई में आपको तुरंत मिल जाएगा, और इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल में मैं आपको वहाँ पे आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल NCC Original को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो
जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी देरी के और आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। और इस वीडियो को स्पेशली मैं आप सबको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको शेयर जरूर करना ताकि सबका डाउट क्लियर हो और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ड्रिल, ठीक है। ड्रिल जब भी प्रैक्टिस करते हो आपको काउंटिंग के साथ करना है, ठीक है, उससे क्या आपकी ड्रिल खराब नहीं होगी। और जब आप टेस्ट देने जाओगे तो वो काउंटिंग आपको मन में करनी है, वहां पे मुंह से मत करना वरना आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।